नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मांग कर दी कि जो दोनों उपचुनाव हो रहे हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, वहां पर सत्ता पक्ष जो है गड़बड़ी पैदा कर सकती है, मतदान को धीमा करने की साजिश रच रही है, इस तरह के आरोप लगाया और उन्होंने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले कर चुनाव कराने की मांग की। तो तेजस्वी यादव के इस बयान ने आज सियासत को गर्मा दिया और अब उन पर पलटवार शुरू हो गए हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी ने हमला बोला और अब जेडीयू की तरफ से भी हमला बोला गया है। जेडीयू के प्रवक्ता जो हैं अभिषेक झा, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। मैं कह तो रहा हूं कि एक सजायाफ्ता बीमार पिता को लाकर इन लोगों ने खड़ा कर दिया। एक तरफ कह रहे थे कि कोई आवश्यकता ही नहीं है लालू प्रसाद यादव जी की, कहीं रहे, दिल्ली रहे, पटना रहे, पार्टी की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुन लिया आपने कि जेडीयू प्रवक्ता ने हमला बोल दिया है। जेडीयू की तरफ से जो दूसरे एक और प्रवक्ता हैं निखिल मंडल, उन्होंने भी इस मसले पर हमला बोला है तेजस्वी यादव पर, नेता प्रतिपक्ष पर, और उन्होंने साफ कर दिया है कि ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं निखिल मंडल, ये भी सुनिए आप। आयोग के तरफ से जो टाइमिंग था, अब तो प्रचार वो कर नहीं सकते, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत आते हैं, इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। अरे भाई, आपको अगर किसी से दिक्कत है, कुछ साक्ष्य है, सबूत है, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, अपनी बात को कहिए, आपका अधिकार है। तो इस तरह से सार्वजनिक रूप से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या साबित करना चाहते हैं? अरे भाई, साबित तब होगा जब आप साक्ष्य और सबूत के साथ वहां कंप्लेन करेंगे, और कंप्लेन में अगर कुछ होगा दम तो उसमें कार्रवाई होगी। बाकी इसमें सरकार की कहां भूमिका है? अगर उनको लगता है कि सरकार की भूमिका है, तो सच्चाई यही है कि उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो सुन लिया आपने, जेडीयू ही नहीं बीजेपी ने भी हमलावर रुख अपना लिया है नेता प्रतिपक्ष पर, इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष के, कि चुनाव में जो है सरकार जो वोटों की गति धीमी कराएगी और चुनाव की गति धीमी करने की साजिश रच रही है, इसलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अधीन करके ये दोनों चुनाव कराए जाने चाहिए। इस पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। बीजेपी के कोटे के जो कृषि मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने हमला बोला है, लालू परिवार पर ही हमला बोल दिया है। क्या कुछ कहा है सुन लीजिए आप। जमानत तो उनको हेल्थ ग्राउंड पर मिला था, और राजनीति करने के लिए, सभा करने के लिए जमानत तो मिली नहीं, लेकिन उन्होंने तो जिस दिन से बाहर निकले उस दिन से उनकी राजनीति शुरू है। तो यह सब तो वो करते हैं, उनकी फितरत है, वो करते हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून देखेगा, जहाँ कानून तोड़ेंगे तो न्यायालय है, बाकी है, वो सब लोग देखेंगे। तो सुन लिया आपने बयानों को कि बीजेपी और जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ, और साफ साफ कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष को हार का डर दिखने लगा है, उन्हें हार नजर आने लगी है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।